दोस्तों अपाची आरटीआर 160 BS6 मॉडल के व्हाइट कलर, ग्रे कलर और ब्लैक कलर, इन तीनों कलर के बाद आज हमारे पास है यहाँ पे मैट ब्लू कलर। तो जैसा हम आपसे वादा करते हैं कि हम लगभग सारे कलर्स आपके सामने रखते हैं जिस भी बाइक का हम रिव्यू करते हैं, तो आज है यहाँ पे मैट ब्लू कलर। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि इसकी प्राइस क्या चल रही है, इसमें क्या नए फीचर्स हमें मिलेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और जितने भी कलर्स का मैंने नाम लिया, अगर उनकी वीडियो आपको देखनी है तो आप इसी वीडियो के लास्ट में जाके देख लीजिएगा। हमने तीनों का छोटा छोटा एक वाकड़ा दिया है ताकि आप कलर डिसाइड कर पाएं, और इस कलर के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कलर कैसा लग रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मैं आपसे एक बार और गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कलर नहीं है। बहुत से भाई लोगों को ये पसंद आएगा और बहुत से भाई लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो हमें भी जानना है कि कितने दोस्त लोग हैं जिन्हें ये कलर जो है पसंद आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे आते हैं तो आपको मिलता है इसमें सिंगल चैनल ABS, जो कि सुपर मोटो ABS से काफ़ी अच्छी वर्किंग है इसकी। और साथ ही साथ जो फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, इसकी मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको 270 यानी कि 270 mm का डिस्क मिलता है। और इसके साथ साथ जो फ्रंट में आपको टायर मिलता है, इसकी मैं बात करूँ तो ये 90x90 का मिलता है, और ये रिमोरा का ट्यूबलेस टायर है। गौर करिएगा कि रिमोरा का टायर काफ़ी अच्छा माना जाता है खासकर रेसिंग ट्रैक के लिए, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पे फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक जो है LED DRS भी मिल जाते हैं हेडलैम्प के साइड में, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसका ये हेडलैम्प है जिसमें आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। अगर आपको रोशनी की कमी हो तो आप इसे अपडेट भी करवा सकते हैं, इसमें आप 60x55 वाट का हैलोजन बल्ब भी लगवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये लगवाने के लिए आपको आफ्टर मार्केट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो आपको फ्लेक्सिबल नहीं मिलते हैं, हार्ड फाइबर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो इसका विंडशील्ड है, ब्लैक कलर का विंडशील्ड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जो इसका फ्यूल टैंक और ग्राफिक की मैं बात करूँ तो उसमें लगभग वाइट कलर और हल्का सा रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे होंगे। जो फ्यूल टैंक काउल है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, वाइट कलर के साथ बाइक अच्छी लग रही है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये एक यूनिवर्सल कलर नहीं है, बहुत से भाई लोगों को पसंद आएगा और बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहले ये जान लीजिए इसकी थोड़ा हैंडल बार के बारे में देख लीजिए। जो इसका लेफ्ट हैंडल बार है, यहाँ पे आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न जो है लेफ्ट हैंडल बार पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको GTT मिलता है यानी कि ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, और इसके थ्रू होता है ये है दोस्तों कि अगर आपकी बाइक तीसरे गियर में भी आप अपनी बाइक को बिना एक्सीलेटर लिए, बिना बंद किए आप अपनी बाइक को चला सकते हैं 17 km/h की मैक्सिमम स्पीड पे, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रैफिक एरिया में काफ़ी हेल्प करता है। देखिए इसका मीटर कंसोल जो कि आपकी डिजिटल प्लस एनालॉग मिलता है, एक तरफ डिजिटल कंसोल एक तरफ एनालॉग कंसोल, और डिजिटल कंसोल में आपको टाइम और ट्रैकोमीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर आपको मिल ही जाता है। राइट साइड में जो एनालॉग मीटर कंसोल है उसकी बात करूं तो आपको इसमें इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिलती है, जो कि नए अपडेट में आता है। और इंजन मॉल फंक्शन लाइट मतलब इसे हम FI लाइट भी कहते हैं, तो आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लाइट जलेगी, आपको पता चल जाएगा और आप अपने बाइक को ठीक करवा पाएंगे। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच के साथ पावर स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे। तो आप देखिए इसका फ्यूल टैंक काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे ग्राफिक इस्तेमाल किया गया है, और ये एक ऐसी बाइक मुझे लगती है जो स्पोर्ट बाइक के साथ साथ डेली कम्यूटर बाइक के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बाइक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप यंग हो चाहे आप ओल्ड एज हो, आप इस बाइक को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसे किसी भी अवस्था के लोग, किसी भी एज के लोग इसे जो है आसानी से चला पाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिलता है 3D लोगो जिसमें हॉर्स बना हुआ है, और ये जो है लोगो है TVS का। इसके फ्यूल टैंक की मैं बात कर रहा था तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों एक बात और कि इसमें आपको 5 गियर्स देखने को मिलते हैं। बात यहाँ पे सबसे बड़े चेंज की करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले नीचे काउल देखिए, यहाँ पे आपको RTFI लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और यही एक बहुत बड़ा अपडेट इसमें किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले यहाँ पे फ्यूल गेज मिलता था जिससे हम रिजर्व ऑन ऑफ किया करते थे, वो अब नहीं मिलेगा।
रहेगा। यहाँ पे वो चीज़ हटा के सीधे फ्यूल इंजेक्टर जो है इसमें इंस्टॉल किया गया है। तो इससे ये होगा ना कि जो आपका पेट्रोल सप्लाई किया जाएगा इंजन में, वो अब इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग के अकॉर्डिंग होगा। मतलब आपके इंजन को जितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी उतना ही पेट्रोल जो है इंजन को सप्लाई किया जाएगा। तो इससे सीधे सीधे बात में अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि माइलेज इंक्रीज होगा, जो माइलेज है वो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी पहले अपाची जो है 45 का माइलेज देती थी तो अब नो डाउट वो 48 से 50 का माइलेज देगी। अगर 50 का देती थी तो अब मान के चलिए 53 से 55 का माइलेज मिलेगा आपको। तो प्राइस मतलब जो माइलेज है वो पहले से थोड़ा सा इंक्रीज होगा। मैं माइलेज की जगह मैंने प्राइस बोल दिया, तो प्राइस भी इंक्रीज हो चुका है, इस चीज़ को गौर करिएगा, प्राइस भी बढ़ चुका है। जब फीचर बढ़े हैं तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए आपको जो है कार्बन फाइबर जैसा आर्टिफिशियल फिनिश देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक के प्रीमियमनेस को थोड़ा सा बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने सस्पेंशन की बात नहीं बताई, मैं आपको बता दूं, फ्रंट में इसमें मिलता है टेलीस्कोपिक विथ हाइड्रोलिक डंपर्स, और पीछे का जो सस्पेंशन है वो आपको मिलता है मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक विथ स्प्रिंग एड के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ओपन चैन दी जाती है, और मेरे हिसाब से लगभग 20,000 किलोमीटर चलने के बाद चैन चेंज करवाने की आवश्यकता हो सकता है कि पड़ सकती है। अगर आप रफली चलाते हैं तो 20,000 किलोमीटर पे आप चैन को चेंज करवा सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल स्पीड में या फिर कंफर्टेबली राइड करते हैं तो हो सकता है 25,000-30,000 तक भी बाइक चली जाती हैं, चैन चेंज करवाना नहीं पड़ता है। आप समय समय पर चैन को ल्यूब किया करिए, वॉश किया करिए, तो आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है चैन की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं वो आगे और पीछे दोनों तरफ किए गए हैं। तो BS6 की जितनी बाइक, यही रिफ्लेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, BS6 की जितनी भी बाइक्स हैं सभी में रिफ्लेक्टर्स जो है इंस्टॉल किए गए हैं, और ये सुरक्षा के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि साइड से जैसे ही प्रकाश पड़ता है आपकी बाइक पे तो आपकी बाइक चमकने लगती है, विजिबल हो जाती है कि वहाँ पे कोई बाइक है। पीछे वाले सेक्शन में देखिए, ये सिंगल डिस्क मॉडल है, अगर आप इसका डुअल डिस्क मॉडल लेना चाहें तो ले सकते हैं। पीछे वाले टायर की साइज यहाँ पे लगभग 110/80 की है, और दोस्तों ये शिकायत रहती है कि थोड़ा सा पीछे का टायर चौड़ा करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चौड़ा तो होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि 17 इंच के हैं। पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेंगे तो पीछे डिस्क भी मिल जाएगा, जिसकी साइज लगभग 200mm यानी कि 200mm की होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं डायमेंशन बता दूं इस बाइक का, तो इसकी जो हाइट है वो है 1105mm की, इसकी जो लेंथ है वो 2085mm की है, व्हील बेस 1300mm का है, ग्राउंड क्लियरेंस 180mm का है, और इस बाइक का जो वेट है वो है 140kg, मतलब 140 किलोग्राम की ये पूरी बाइक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 160cc सेगमेंट में 140 किलो लगभग एक एवरेज वेट होता है, जितनी भी अदर बाइक है उनका भी वेट लगभग इसी के आसपास होता है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा वजनी और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं कह सकते हैं। तो इस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फटाफट मैं बता दूं एक अपडेट इस बाइक के बारे में, क्या नए चेंजेस हैं। पहला है इसमें मिलता है आपको RTFI यानी कि रेस्ट ऑन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। दूसरा है कि इसमें आपको किक हटा दी गई है। यहाँ पे गौर से देखिए कि यहाँ पे किक नहीं है, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनने वाला है, क्योंकि मैंने 3 वीडियो बनाई है 3 अलग अलग कलर की, और हर वीडियो में भाई लोग यही बोल रहे हैं कि किक हटा दिए हैं, अच्छा नहीं किए हैं, किक हटा दिए अच्छा नहीं किए। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि हमें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, और बिना ही किक के हमें आदत बनानी पड़ेगी, हमेशा सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप जो है निश्चिंत हो जाइए, और अगर आप लेने वाले हैं इस बाइक को तो ले लीजिए। किक की वजह से आप इस बाइक को मत हटाइए कि किक नहीं है तो हम बाइक ही हटा दे रहे हैं, बाइक नहीं लेंगे। परेशान ना होइए, क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स में अब किक नहीं आ रहा है, और आगे आने वाली बाइक में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला इसमें ग्राफिक चेंज हुआ है। फिर इसके बाद इसमें मीटर कंसोल में एक छोटा सा चेंज हुआ है, इंजन लाइट ऐड की गई है, और इसके साथ इसमें BS6 इंजन के साथ साथ इसके इसमें आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर मिलता है, जो कि इसके एग्जॉस्ट में थोड़ा सा आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता है, वहां से एक मोटा सा जो है पाइप आपको मिलेगा, वही कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है, और ये बहुत बड़ा पहचान भी होता है BS6 बाइक का, और वो एक फिल्टर का काम करता है, आपकी बाइक जो पोल्यूशन होगा उसे काफी कंट्रोल किया जाता है कैटेलिटिक कन्वर्टर से। ये बातें हो गई। इसके बाद इसमें आपको GTT मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको प्राइस बता दूं, अगर आप लेते हैं इसका विदाउट डिस्क मॉडल, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आपको पीछे डिस्क नहीं चाहिए, इसकी प्राइस लगभग 1,14,000 से 1,18,000 में ये बाइक आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है
वो लगभग 97,000 है प्रयागराज यूपी इंडिया में। इसके बाद अगर आप लेते हैं इसका ड्रम डिस्क मॉडल जिसमें आपको पीछे और आगे दोनों तरफ डिस्क चाहिए, तो लगभग 1,00,000 रुपीज़ इसका एक्सोरूम प्राइस है, 1,00,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है। और लगभग 1,18,000 से 1,22,000 में आपको डुअल डिस्क मॉडल अपाची आरटीआर 160 BS6 मॉडल कंप्लीटली मिल जाएगी, जिसमें इंश्योरेंस आरटीओ टैक्स सब कुछ जो है इंक्लूड रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये बाइक पूरा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए, जब भी बाइक राइड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।